प्यारे बच्चों, आज हम आपको डू का यूज सिखाएंगे। डू का जो यूज होता है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में होता है। यह एक हेल्पिंग वर्ब की तरह इसे यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे आई यानी मैं, वी अर्थात हम, यू तुम या आप, दे यानी वे, और नाउन प्लूरल अर्थात बहुवचन संज्ञाएं, इन सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे आई गो, मैं जाता हूँ, वी गो हम जाते हैं, यू गो तुम जाते हो, दे गो वे जाते हैं, चिल्ड्रन गो बच्चे जाते हैं। यानी कि हिंदी के वाक्यों में अंत में इसमें ता है, ते है, ती है आता है। अब कुछ आगे चलते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, आई प्ले मैं खेलता हूँ, वी ईट हम खाते हैं। अब आगे ऑब्जेक्ट आ गया, वी ईट बर्फी हम बर्फी खाते हैं, दे स्टे वे रुकते हैं या ठहरते हैं, दे स्टे इन ए होटल वे एक होटल में ठहरते हैं या रुकते हैं, यू टेक तुम लेते हो। अब आगे बढ़ा, ऑब्जेक्ट आया, तो यू टेक मिल्क तुम दूध लेते हो। ये थे अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक। अब नेगेटिव अगर इनके बनाए जाते हैं, इसमें नोट का यूज कैसे करते हैं, तो आई वी यू दे नाउन प्लूरल के साथ हम डू नोट लगा देते हैं और फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद डॉट 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 अर्थात ऑब्जेक्ट। अब आगे देखते हैं, जैसे आई डू नॉट राइट मैं नहीं लिखता हूँ, यू डू नॉट मेक ए नॉइज तुम शोर नहीं करते हो। अब हम लेते हैं इंटरोगेटिव अर्थात प्रश्न वाचक, जिसमें हम प्रश्न वाचक क्वेश्चन यानी क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या होता है, डू आगे आ जाता है और ये क्या का अर्थ देता है, ये ध्यान दें। जैसे डू आई, डू वी, डू यू, डू दे, डू नाउन प्लूरल और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और फिर यही ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव साइन। आइए देखते हैं, जैसे डू यू प्ले देयर क्या तुम वहां खेलते हो। अब अगर इनके हम आंसर करें, जैसे ये इंटरोगेटिव है तो इंग्लिश टू इंग्लिश आंसर करें तो क्या रूल लगेगा, आइए देख लेते हैं। तो इसमें यस लग जाएगा, उसके बाद कोमा लगाएंगे, उसके बाद जिस सब्जेक्ट की जरूरत है, यदि आई की जरूरत है आई लगाएंगे, वी की जरूरत है वी लगाएंगे, यू चाहिए यू लगाएंगे, दे चाहिए दे लगाएंगे, नाउन प्लूरल चाहिए तो नाउन प्लूरल लगाएंगे। इसमें अभी हम ही सी इट और नाउन सिंगुलर की बात नहीं कर रहे क्योंकि वे डज से रिलेटेड है। उसके बाद वही फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, जैसे डू यू प्ले क्या तुम खेलते हो, तो आंसर क्या हुआ रूल के हिसाब से, यस आई प्ले, क्योंकि यहाँ पे यू है तो यू को आई में बदल देंगे। डू दे टेक मिल्क,
क्या वे दूध लेते हैं? तो दे है जो थर्ड पर्सन है, तो ये तो चेंज होगा नहीं, तो यहाँ हमने लगा यस दे टेक मिल्क। अब अगर नकारात्मक आंसर हो, नेगेटिव आंसर हो, तो क्या होगा? नो लगाएंगे। उसके बाद सुविधाजनक आई वी यू दे नाउन प्लूरल, फिर डू नॉट और फिर फर्स्ट फॉर्म। जैसे डू चिल्ड्रन प्ले, क्या बच्चे खेलते हैं? तो अब नेगेटिव आंसर क्या होगा? नो चिल्ड्रन डू नॉट प्ले। डू यू टेक टी, क्या आप चाय लेते हो? नो, तो यू है जो आई में बदल जाएगा, आई डू नॉट टेक टी, यानी आई यू में और यू आई में। आगे चलते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली, यानी उसमें डब्ल्यू और एच होता है, जैसे व्हाट में डब्ल्यू एच, वाई में डब्ल्यू एच, व्हेन में डब्ल्यू एच, वेयर में डब्ल्यू एच, हाउ में। उसके बाद डू, उसके बाद वही सब्जेक्ट्स हो गए, और उसके बाद ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये डॉट डॉट लगा दिया, यानी इंटरोगेटिव साइन। डॉट डॉट से मतलब हम डॉट डॉट लगाए या ऑब्जेक्ट लिख दें, एक ही बात है। अब आगे चलते हैं, तो इनके जो हम आंसर लिखेंगे डब्ल्यू एच फैमिली के, ये जो है तो कैसे लिखेंगे? तो ये देखिए, आई वी यू दे नाउन प्लूरल, सुविधा अनुसार जो भी लिखना है, फिर फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब आगे देख लेते हैं एक बार, जैसे व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो? तो यू का आई हो जाएगा, आई ईट बर्फी, मैं बर्फी खाता हूँ। वेयर डू दे स्टे, वे कहाँ ठहरते हैं? तो आंसर हो जाएगा दे, यही आ जाएगा सीधा, दे स्टे इन द होटल, वे होटल में ठहरते हैं। व्हेन डू दे लीव, वे कब जाते हैं? तो दे का दे ही रहेगा, दे लीव इन द मॉर्निंग, वे सुबह जाते हैं। Why do they weep? वे क्यों रोते हैं? तो हो जाएगा इसका they weep because, क्योंकि why का आंसर तो रीजन बताना पड़ेगा। Someone beat them, किसी ने उन्हें पीटा, यानी के प्रेजेंट का जो रूल है ये do, इसमें आप बिकॉज के बाद कोई भी टेंस का रूल लगा सकते हैं, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट बन के आ गया। हाउ डू पीपल लीव, यानी लोग कैसे जाते हैं? तो पीपल आ गए आगे, पीपल लीव, लोग जाते हैं बाई बस। तो इस प्रकार मैंने आपको ये डू का है जो कंप्लीट यूज सिखा दिया है। अगर आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आने वाले वीडियोज़ में हम डज से रिलेटेड बातें बताएंगे, तो जिन बच्चों को ये अच्छी तरह समझ में आया है और जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनको ये शेयर करें, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।